नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले 12 घंटे में घाटी में सेना ने मचा दिया है तहलका, और किस प्रकार सिर्फ 12 घंटों में ही 4 आतंकवादियों को ठोका है। इसके साथ ही उनके मददगार भी दबोचे गए हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुअरों और सेना के बीच में पिछले 12 घंटे में 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है, जिसमें सेना को बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसमें सेना के द्वारा सिर्फ 12 घंटे में 4 आतंकवादियों को ठोका गया है। साथ ही 48 घंटों के अंदर सेना के द्वारा आतंकियों के 2 मददगार भी दबोचे गए हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो पहली मुठभेड़ है वो आज सुबह ही हुई सोफिया में। यहां पर सुरक्षा बलों को सुबह सुबह खबर मिली थी कि सोफिया के एक इलाके में कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं, और सेना ने जैसे ही यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया तो 2 आतंकवादियों की मौजूदगी यहां पर डिटेक्ट की गई। इसके पश्चात सेना ने इन आतंकवादियों से सरेंडर करने के लिए भी कहा, परंतु सेना के पास आते ही इन्होंने जवानों पर फायरिंग करना स्टार्ट किया। फिर जवाबी कार्रवाई हुई और दोपहर तक दोनों आतंकवादियों को सेना के द्वारा ढेर कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, अनंतनाग में एक बेहद ही खूंखार सुअर को सेना के द्वारा ठोक दिया गया है, जिसने अभी हाल फिलहाल के दिनों में अनंतनाग में ही सेना के कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया था, और इसमें हमारे 2 से 3 की संख्या में जवान भी घायल हुए थे। परंतु इस बार सेना के हत्थे चढ़ गया और सेना ने फिर भी इससे आत्मसमर्पण करने की बात कही, परंतु ये सुअर नहीं माना और सेना के ऊपर भारी फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया। बाद में सेना ने जवाबी कार्रवाई करी तो इस सुअर को मौका वारदात पर ही ढेर कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, सेना ने जब इस जगह की तलाशी ली तो इसके पास से 2 AK-47 राइफल, कई सारी गोलियां और ग्रेनेड भी बरामद हुए हैं, जिसके माध्यम से यह सेना पर हमले करने की साजिश कर रहा था। और इसके अलावा दोस्तों, पुलवामा के त्राल में भी मुठभेड़ हुई है, जिसमें सेना के द्वारा 1 आतंकी को ठोक दिया गया है। तो दोस्तों, सिर्फ 12 ही घंटे हुए हैं और इसमें सेना ने घाटी में ताबड़तोड़ एक्शन किया है और 4 की संख्या में सुअरों को ठोका है। इसके साथ ही बड़गाम से लश्कर के 2 मददगारों को भी सेना के द्वारा दबोचा गया है। बाकी भारतीय सैनिकों के इस ताबड़तोड़ एक्शन के ऊपर आप सभी क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।